हाय गाइस एंड वेलकम टू मोटर एक्शन। आज के इस वीडियो का टॉपिक है टॉप 4 स्कूटर्स टू बाय इन इंडिया इन 110 सीसी सेगमेंट। तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखते रहिए क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको पर्पस के हिसाब से बताने वाला हूँ आपके लिए कौन सी स्कूटर बेस्ट होने वाली है इस सेगमेंट के अंदर, और स्कूटर्स को मैं रैंक भी करने वाला हूँ। तो मेक श्योर आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए क्योंकि ऑटोमोबाइल्स रिलेटेड इस चैनल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा नॉलेज आपको मिलती रहने वाली है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं नंबर 4 के साथ में। तो मेरी लिस्ट में नंबर 4 पर आती है हीरो प्लेजर प्लस 110। ये स्कूटर लाइट वेट है, ईजी टू राइड है और ईजी टू हैंडल भी है। तो ये स्कूटर आपको ज़रूर पसंद आएगी अगर आप एक लाइट वेट स्कूटर ढूंढ रहे हैं जिसकी हाइट कम हो या फिर आपकी हाइट कम होगी, तो ये स्कूटर आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। ये स्कूटर काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट फील होती है चलाने में। ये स्कूटर की परफॉर्मेंस भी काफ़ी बढ़िया है क्योंकि इस गाड़ी के अंदर लगा है 110 सीसी का इंजन जो प्रोड्यूस करता है 8.0 PS ऑफ पावर और 8.7 NM ऑफ टॉर्क। ये इंजन इस सेगमेंट में सबसे ज़्यादा पावरफुल है। इस गाड़ी में आपको 10 इंच के व्हील मिलेंगे दोनों एंड में, और इसका सस्पेंशन थोड़ा पुराना है जो कि है स्प्रिंग लोडेड हाइड्रोलिक टाइप का सस्पेंशन जो पहले एक्टिवा में भी आता था। ये सस्पेंशन थोड़ा सा हार्ड ज़रूर फील होता है, लेकिन ओवरऑल ये स्कूटर काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है क्योंकि ये स्कूटर की प्राइस भी काफ़ी कम रखी गई है अगर हम दूसरों से कंपेयर करें तो। ये स्कूटर की प्राइस है 73,000 रुपीज़ ऑन रोड मुंबई। ये स्टैंडर्ड वेरिएंट की प्राइस है। जो डीलक्स वेरिएंट आता है स्कूटर के अंदर जिसके अंदर आपको अलॉय व्हील्स मिलेंगे, वो वाले मॉडल की प्राइस है 75,000 रुपीज़ ऑन रोड मुंबई। तो ये स्कूटर भी काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी स्कूटर नज़र आ रही है इस सेगमेंट के अंदर। मेरी लिस्ट में नंबर 3 पर आती है होंडा डियो। ये स्कूटर में काफ़ी अच्छी आपको परफॉर्मेंस मिलने वाली है। ये स्कूटर की स्टाइलिंग काफ़ी ज़्यादा यूथ को काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है इसकी डिज़ाइन। इस गाड़ी में गुड इनफ फीचर्स देखने को मिलते हैं जैसे कि इसके अंदर आपको फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट पैनल मिलेगा जो प्लेजर में नहीं आता था। ये स्कूटर के अंदर आपको फ्यूल फिलर कैप जो है वो बाहर की तरफ मिलता है, और फ्रंट में 12 इंच का व्हील और टेलीस्कोपिक सस्पेंशन भी मिलता है जिसकी वजह से ये स्कूटर की राइड क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और हाई स्पीड स्टेबिलिटी भी काफ़ी अच्छी है। ये स्कूटर काफ़ी ज़्यादा फन टू राइड है, इसीलिए ये स्कूटर यूथ को काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है। ये स्कूटर लाइट वेट भी है इसका वेट है 105 kg। तो ये स्कूटर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है अगर आप यंग हैं और आप पहली बार कोई स्कूटर ख़रीदना चाहते हैं तो आप ये स्कूटर की तरफ ज़रूर जा सकते हैं क्योंकि होंडा की रिलायबिलिटी और सर्विस भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने को मिलती है। ये स्कूटर में 110 सीसी का इंजन है जो प्रोड्यूस करता है 7.6 PS की पावर और 8.79 NM ऑफ टॉर्क। ये स्कूटर में 5.3 लीटर का टैंक लगाया गया है। ये स्कूटर की प्राइस के बारे में बात करें तो ये स्कूटर की प्राइस शुरू होती है 80,000 से और ख़त्म होती है 84,000 तक। ये स्कूटर के अंदर आपको दो वेरिएंट देखने को मिलेंगे, एक होगा स्टैंडर्ड दूसरा होगा डिलक्स। जो स्टैंडर्ड होगा उसके अंदर आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर बेसिक वाला मिलेगा, मतलब एनालॉग वाला मिलेगा, और उसके अंदर आपको ग्राफिक्स में बदलाव देखने को मिलेंगे, और हाँ LED हेडलैम्प भी आपको देखने को नहीं मिलने वाला है। तो 4,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा देने पर आपको ये सारे फीचर्स देखने को मिलेंगे। मेरी लिस्ट में सेकंड नंबर पर आती है एक्टिवा 6G। ये स्कूटर को ज़्यादा कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। ये स्कूटर के अंदर काफ़ी अच्छा आपको इंजन देखने को मिलता है, अच्छी रिलायबिलिटी मिलती है, बिल्ड क्वालिटी ये स्कूटर की काफ़ी अच्छी है। बिल्ड क्वालिटी के लिए ये स्कूटर काफ़ी ज़्यादा जानी मानी है इंडियन मार्केट के अंदर। अगर आप ऐसे टाइप के बायर हैं जिनको एक नॉर्मल सी स्कूटर ख़रीदनी है, आप ज़्यादा कोई फीचर्स वगैरह की केयर करते नहीं हैं, बस आपको चाहिए तो चाहिए सिर्फ अच्छी रिलायबिलिटी, अच्छी सर्विस और अच्छी रीसेल वैल्यू, जैसे कि अपने टिपिकल इंडियन बायर्स हैं, तो आप ये स्कूटर को ज़रूर ख़रीद सकते हैं। अब ये स्कूटर के अंदर आपको नए फीचर्स भी देखने को मिलेंगे जैसे कि आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिलने वाला है जिससे ये स्कूटर की राइड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, और फ्रंट में आपको 12 इंच का व्हील मिलेगा जिससे हाई स्पीड स्टेबिलिटी भी पहले से काफ़ी बेहतर हो गई है। अगर हम बात करें ये स्कूटर की प्राइस की तो ये स्कूटर की प्राइस शुरू होती है 81,000 से और ख़त्म होती है 83,000 तक। ये स्कूटर में भी आपको दो वेरिएंट देखने को मिलेंगे, पहला वेरिएंट स्टैंडर्ड, और वो स्टैंडर्ड वेरिएंट में आपको LED हेडलैम्प देखने को नहीं मिलेगा, डीलक्स वेरिएंट में आपको LED हेडलैम्प देखने को मिलेगा। तो डीलक्स वेरिएंट की प्राइस 2,000 रुपये ज़्यादा है। अगर हम माइलेज के बारे में बात करें तो माइलेज आपको अराउंड 50-53 KMPL की मिलने वाली है अगर आप अच्छे से राइड करते हैं तो। इससे ज़्यादा भी आपको देखने को मिल सकती है क्योंकि वो टोटली आपके राइडिंग स्टाइल के ऊपर डिपेंड करता है। ये स्कूटर का वेट है 107 kg और ये स्कूटर में 5.3 लीटर का टैंक लगाया गया है। तो मेरी लिस्ट में नंबर 1 पर आती है TVS की जुपिटर।
ये स्कूटर एक परफेक्ट ब्लेंड है परफॉर्मेंस का, कंफर्ट का और राइड क्वालिटी का, इसलिए मैंने ये स्कूटर को नंबर वन पर रखा है। ये स्कूटर में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है, 12 इंच के दोनों व्हील्स मिलते हैं, जो दूसरे स्कूटर थी जैसे एक्टिवा और डियो उसके अंदर आपको पीछे की तरफ 10 इंच का व्हील मिलता है, ये जुपिटर के अंदर आपको 12 इंच के दोनों व्हील्स देखने को मिलेंगे। तो ये स्कूटर काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट है अपनी प्राइस के हिसाब से और इस सेगमेंट के भी हिसाब से। ये गाड़ी के अंदर आपको 6 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है। ये स्कूटर का वेट 109 kg है। ये स्कूटर के अगर इंजन के बारे में बात करें तो ये स्कूटर में आपको मिलेगा 110 cc का इंजन जो प्रोड्यूस करके देता है 7.3 PS ऑफ पावर और 8.4 NM ऑफ टॉर्क। अगर हम बात कर लेते हैं स्कूटर की प्राइस की, तो ये स्कूटर की प्राइस शुरू होती है 78,000 रुपीज़ से और ख़त्म होती है 86,000 रुपीज़ तक। ये स्कूटर का जो स्टैंडर्ड वेरिएंट है उसके अंदर आपको LED हेडलैम्प नहीं मिलेगा, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी आपको एनालॉग टाइप का मिलेगा और जो डिज़ाइन है वो भी आपको थोड़ा बेसिक टाइप का मिलेगा। सेकेंड वेरिएंट है वो है ZX वेरिएंट। ये स्कूटर के अंदर आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर डिजिटल टाइप का मिलेगा, आपको स्कूटर का जो पेंट स्कीम है वो भी काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है और हाँ, ये स्कूटर के अंदर आपको LED हेडलैम्प भी देखने को मिलता है जो कि काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर है हैलोजन हेडलैम्प से। लास्ट वेरिएंट है क्लासिक वेरिएंट। वो मॉडल के अंदर आपको विंडशील्ड देखने को मिलती है और कंफर्ट थोड़ा सा और एनहेंस किया जाता है। तो 12 इंच व्हील्स दोनों साइड में और टेलीस्कोपिक सस्पेंशन के साथ में ये स्कूटर का कंफर्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हो जाता है। तो ये स्कूटर काफ़ी ज़्यादा अच्छी साबित होगी अगर आप एक कंफर्टेबल स्कूटर देख रहे हैं। दोस्तों, मैंने आपको बता दिया कि आपके पर्पस के हिसाब से कौन सी स्कूटर अच्छी है। मेक श्योर आप चारों स्कूटर का टेस्ट राइड ज़रूर लें क्योंकि इससे आपको एक अच्छा आइडिया भी मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये थी मेरी वीडियो। आपको अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए क्योंकि बहुत सारे लोग 110 cc सेगमेंट की स्कूटर लेना चाहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।